दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी एस सी अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटर और मैट्रिक का परीक्षा देने वाले, ठीक है, तो उन सभी छात्रों का यहाँ पे सेंटर को डिसाइड कर लिया गया कि कौन से जगह पे आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि कौन से सेंटर पे आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसको डिसाइड कर लिया गया, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेंटर को लेकर, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग का प्रैक्टिकल का भी जो है एग्ज़ाम अब होने वाला है, ठीक है। वो इंटर वाले का होगा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम और मैट्रिक वाले का भी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। तो उसको लेकर ये बड़ी खबर है, तो आप लोग वीडियो को पहले अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और सेंटर लिस्ट भी आप लोग को देखने बताऊंगा कि सेंटर लिस्ट आप लोग को कहाँ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बोला गया कि इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए 1522 केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। ये आप लोग को पटना जिला में, ठीक है, जो आप लोग को पटना जो है आप लोग वहाँ पे बनाया गया इंटर वार्षिक परीक्षा 1522 और मैट्रिक के लिए 1583 केंद्रों पर ली जाएगी। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित कर दिया, यानी कि आप लोग को सेंटर जो आप लोग को निर्धारित हो गया है 2024 एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 2024 की इंटर और मैट्रिक परीक्षा में केंद्रों की संख्या बढ़ी है, जहाँ पर इंटर में 51 वही मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 58 केंद्र बढ़े हैं, यानी कि इस बार जो केंद्र का संख्या आप लोग का सेंटर का संख्या बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि बोर्ड ने इस केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बोर्ड के अनुसार इंटर की 1 और मैट्रिक की 15 फरवरी से परीक्षा होगी। इंटर का प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए इस बार 3500 स्कूलों को होम सेंटर बनाया गया है, ठीक है ना। यानी कि आप लोग जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा ना वो आप लोग का होम सेंटर पे ही होगा, यानी कि आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसी कॉलेज में आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप लोग को बस एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इंटर प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी। प्रायोगिक परीक्षा लेने के बाद उसी दिन अंकों की प्रविष्टि ऑनलाइन करके बिहार बोर्ड को भेजना है। फिर मैट्रिक का जो आप लोग को 18 से 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल चलेगा, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे सेंटर जो आप लोग को कंप्लीट जो है निर्धारित कर दिया है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं सेंटर लिस्ट को कैसे चेक करना है, ठीक है ना। 2024 एग्ज़ाम का सेंटर को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो आप लोग को आना है क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपली आप लोग को सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। देखिए यहाँ पे आप लोग सर्च कर दीजिएगा स्टडी सिलेबस, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिएगा आप लोग को यहाँ पर दिखेगा न्यू अपडेट का ऑप्शन, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए भी दे दिया गया है कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आप लोग को देखिए यहाँ नीचे आप लोग देखिएगा बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्र 2024 12th, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आप लोग यहाँ से आके अपना सेंटर का लिस्ट जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो है जैसा कि आप लोग 100% अब जो है बिहार बोर्ड सभी जिलों का सेंटर जो है यहाँ पे जारी कर दिया है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ से आके डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।